is fraction. What is fraction? We can say fraction is a part, hissa, part ho gaya, hissa, part of the whole. Whole ho gaya pura, kuch pura hai, pura matlab ek hai. For example, एक सर्कल है, सो दिस इज अ होल सर्कल, सो वी कैन से इट इज अ होल. इसके मैंने अगर टुकड़े किए, हिस्से किए, पार्ट्स किए, मान लो इसके मैंने चार पार्ट्स किए, तो इसका एक हिस्सा, मान लो ये वाला हिस्सा, ये जो ब्लू कलर किया है, ये जो एक हिस्सा है, सो दिस विल बी ए पार्ट. किसका पार्ट है? इस पूरे का. सो हम इसको कहेंगे पार्ट ऑफ द होल. होल मतलब पूरा. ये पूरा क्या है? पूरा एक, मान लो एक बिस्किट है, एक कुकी है, और ये उसका हिस्सा है. चलो इसमें एक वीडियो देखते हैं, मैथमेटिक्स की वीडियो है. तो मैथमेटिक्स का हम यहाँ थैंक्स बोलेंगे. अब देखो ये सर क्या, रॉब सर क्या समझाते हैं, इसको ध्यान से हम देखते हैं. Whole amount into four parts, then we call each of those parts a fraction of the original whole circle. Because this is math and not art, we can't just keep on drawing pictures. We need to learn how to write out fractions using the language of math. Yep, you guessed it. That means using numbers. Unlike a regular number, to write a fraction you need two numbers. One number on top, one number on bottom, and a line between them. I'll explain exactly what the line's for later in the video. But for now, let's figure out what those two numbers mean. Remember, fractions are used to represent parts of something. And the number on the bottom tells us how many parts that something is divided into. The number on top tells us how many of those parts we have. So, kya bataya sir, Rob sir ne? Ki jo fraction hai, abhi humne dekha fraction, पार्ट ऑफ द होल. हमने एक सर्कल बनाया और उस सर्कल के टुकड़े किए, तो उसका जो ये पार्ट था, ये पार्ट ऑफ द होल बन गया. तो हमने कहा ये टुकड़ा एक फ्रैक्शन है, इस होल का, इस पूरे का फ्रैक्शन है. ठीक है, ऐसे ही जरूरी नहीं है सर्कल हो, कोई भी शेप हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ. इस रेक्टेंगल के मैंने चार दो हिस्से किए, फिर और दो दो किए, तो चार हिस्से हो गए, फोर पार्ट्स. उसमें से एक पार्ट ये वाला इस पूरे रेक्टेंगल का फ्रैक्शन है. तो हर बारी हम ड्राइंग्स तो नहीं बना सकते हैं. हम मैथ्स की भाषा, मैथ्स की लैंग्वेज में हमें लिखना है, तो हम नंबर्स में लिखेंगे फ्रैक्शन को. और नंबर्स में कैसे फ्रैक्शन लिखा जाता है? हम उसे दो हिस्से में डिवाइड करते हैं. एक बीच में हम डिवाइडिंग लाइन खींचते हैं, ये वाली, जैसे ये लाइन खींची हमने, उसके ऊपर, उसके नीचे हम क्या लिखते हैं, हाउ मैनी पार्ट्स दैट होल इज डिवाइडेड इनटू, कि जो पूरा हिस्सा है, जैसे ये होल है, वो कितने हिस्सों में डिवाइड किया है. हाउ मैनी पार्ट्स डिवाइडेड इंटू, वो हम इस फ्रैक्शन लाइन के नीचे लिखते हैं. सो निचला वाला नंबर जो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर हमें क्या बताता है, हाउ मैनी पार्ट्स डिवाइडेड इंटू, कि वो जो होल है वो कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस सर्कल को, इस होल को फोर पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, इस डिवाइडिंग लाइन के नीचे फोर लिखूंगा. और इसमें से, इन चार हिस्सों में से अगर हमारे पास एक हिस्सा है, ये वाला, तो ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, हाउ मैनी पार्ट्स वी हैव. इन चार हिस्सों में से ये तो टोटल पार्ट्स हैं, वो तो नीचे लिख दिया. और उनमें से हम किसकी बात कर रहे हैं, या हमारे पास कितने हैं, ये एक है जो मैंने रेड कलर किया, तो ये हम ऊपर लिखेंगे.
तो ये जो पार्ट है, जो रेड कलर से जो हिस्सा मैंने कलर किया है, इसको हम नंबर्स की शक्ल में कैसे लिखेंगे? 1/4, 1/4, एक के नीचे एक लाइन लगाएंगे जिसको हम डिवाइडिंग लाइन कहते हैं या फ्रैक्शन लाइन भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से 1/4 एक फ्रैक्शन बन गया, ठीक है। तो ये चीज समझना है, डिनोमिनेटर ये बीच की है, फ्रैक्शन लाइन, और फ्रैक्शन लाइन के नीचे वाला जो नंबर है वो क्या बताता है? हाउ मेनी पार्ट्स दैट होल इज डिवाइडेड इनटू, कि वो जो पूरा है, मान लो पूरा रेक्टेंगल, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो नीचे हम 4 लिखेंगे। ऊपर क्या लिखा होता है? हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव, हमारे पास कितने पार्ट्स हैं? अगर हमारे पास 2 पार्ट हैं, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, यानी इन दोनों को मैंने कलर कर दिया, तो जो कलर्ड पोर्शन है, जो कलर्ड हिस्सा है, वो इस पूरे रेक्टेंगल का क्या फ्रैक्शन है, क्या हिस्सा है? तो ऊपर हमारे पास कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं, तो मैंने 2 लिखा। तो ये फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा? 2/4, ठीक है। ये तो हो गया कि फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ द होल, कोई भी फ्रैक्शन को हम पार्ट ऑफ द होल लिखेंगे, पार्ट ऑफ द होल। होल हम 1 मानेंगे, वो 1 कुछ भी हो सकता है, 1 रेक्टेंगल, 1 सर्कल, और उसका हिस्सा, उसके हिस्से, कोई एक हिस्से की बात करेंगे, वो बन जाएगा फ्रैक्शन, पार्ट ऑफ द होल। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा, मान लो ये हमने रेक्टेंगल बनाया और इसके 4 हिस्से किए, और उन 4 हिस्सों में से हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव, मान लो वी हैव 3 पार्ट्स, ये वाले 3। तो जो ये रेड कलर के हिस्से हैं, ये इस पूरे रेक्टेंगल का क्या फ्रैक्शन बन गया? तो हम लिखेंगे फ्रैक्शन लाइन, नीचे लिखेंगे हाउ मेनी पार्ट्स इट इज डिवाइडेड इनटू, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, एंड हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव 3। सो इस फ्रैक्शन को हम नंबर्स में कैसे लिखेंगे? 3/4। तो ये सही तरीका है फ्रैक्शन लिखने का, दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग ए फ्रैक्शन। व्हाट इज इट? इट इज ए प्रॉपर वे, प्रॉपर होता है सही तरीका, प्रॉपर वे, ठीक है, सही तरीका। जो मैंने कैसे लिखा? 3/4। तो सही, इस जो ये फ्रैक्शन है, क्योंकि ये सही तरीका है, यही तरीका सही है, प्रॉपर, इसलिए हम इसको कहते हैं, ऐसे लिखने को कहते हैं, इस फ्रैक्शन को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में आप ध्यान से देखोगे, जो निचला नंबर है डिनोमिनेटर, वो बड़ा है, इसलिए इस डी को मैं बड़ा लिखता हूँ, इसे याद रहेगा, ठीक है। डी को कैसे लिखा मैंने? बड़ा, ये बड़ा नंबर है, और इस फ्रैक्शन लाइन के ऊपर जो न्यूमरेटर है वो छोटा है। सो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो नंबर है वो हमेशा स्मॉलर होगा, और जो डिनोमिनेटर है वो बिगर होगा इन दोनों में से, और इसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सही तरीका है फ्रैक्शन लिखने का, प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन है क्या है ये? इट इज स्टिल पार्ट ऑफ द होल। होल हमने 1 माना, और ये फ्रैक्शन, जैसे मान लो 3/4, ये इस होल का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द होल। ये होल 1 है और फ्रैक्शन 3/4 है, तो इन दो में से कौन सा बड़ा होगा? 1 बड़ा होगा या 3/4 बड़ा होगा?
क्योंकि ये फर्स्ट फ्रैक्शन जो ये वाला है फ्रैक्शन 3/4 ये तो इस 1 का हिस्सा है पार्ट है तो ऑब्वियसली ये तो छोटा होगा ये इसका हिस्सा है जैसे मैंने 1 पूरा रेक्टेंगल बनाया इतना बड़ा और उसके चार टुकड़े किए और उनमें से ये एक हिस्सा ये दूसरा हिस्सा ये तीसरा हिस्सा तो ये जो शेडेड हिस्सा है ये बन गया 3/4 लेकिन ये पूरा जो था ये पूरा जो था ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल ये क्या था 1 सो 3/4 विल बी लेस देन 1 इसलिए एक चीज ये याद रखनी है हमने कि जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा प्रॉपर फ्रैक्शन विल बी ऑलवेज लेस देन 1 समझ में आ रहा है प्रॉपर फ्रैक्शन विल बी ऑलवेज लेस देन 1 प्रॉपर फ्रैक्शन विल बी ऑलवेज लेस देन 1 तो कई बारी मैं कई स्टूडेंट से पूछता हूं बताओ 5/6 बड़ा है या 1 बड़ा है तो स्टूडेंट्स क्या कंफ्यूज हो जाते हैं वो देखते हैं अरे इसमें 6 भी है इसमें 5 भी है ये तो बड़ा नंबर लग रहा है लेकिन ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है इज ऑलवेज लेस देन 1 एक से हमेशा छोटा होता है सो जब तक ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1 कुछ भी हो सकता है नंबर मैं लिखूं 15/16 तो ये भी एक फ्रैक्शन है और क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों क्योंकि जो ऊपर का नंबर है वो डिनोमिनेटर इस केस में इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है इसलिए इसका जो वैल्यू होगा वैल्यू इट विल बी लेस देन 1 ये हमेशा याद रखना कोई भी आपसे पूछे अगर कोई बोलेगा बताओ ये नंबर है 5/6 और आपको एक नंबर लाइन दी यहां पे 0 1 2 3 4 5 6 ठीक है ये नंबर लाइन पे मैंने नंबर्स लिखे और मैं आपको पूछ रहा हूं कि 5/6 इस नंबर लाइन पे मुझे दिखाओ कहां पे होगा जैसे 5 यहां है 6 यहां है तो जब मैं पूछता हूं इसको कि ड्रॉ दिस प्रॉपर फ्रैक्शन ये प्रॉपर है दिस प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन 5/6 ऑन दिस नंबर लाइन तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं वो 5 क्योंकि 5 भी देखते हैं और 6 भी देखते हैं तो आमतौर पे 5 और 6 के बीच में लगाते हैं कि यहां पे होगा ऐसा नहीं है क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है पहले वैल्यू सोचो उसकी कीमत वैल्यू विल बी लेस देन 1 क्यों क्योंकि ये छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं हम तो ये जो फ्रैक्शन होगा इसकी वैल्यू 1 से कम होगी तो ये 1 है तो 1 से कम यानी कि ये 0 और 1 के कहीं पे बीच में होगा यहां होगा या यहां होगा या यहां यहां इसके और इसके बीच में ही रहेगा तो जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन है वो सारे 0 और 1 के बीच में रहेंगे क्यों क्योंकि 1 से कम है ठीक है ये याद रहना चाहिए हमेशा तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में